अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इब्राहिम, आई होप यू आर फाइन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये बाइक है और ये पीछे खड़ी हुई है साइकिल्स। दो साइकिल हैं, तीन थी, एक मैंने टक शॉप पे लड़के को कहा ले जो, और दूसरी दो यहीं पे खड़ी हैं। इनको मैंने मारा पेंट, बहुत ही खूबसूरत हो गई हैं और थोड़ी मेहनत करने के बाद पेंट मारा है तो रंग लिया है। मेहनत पहले मैंने दिखाना था, भूल गया था मैं आपको दिखाना, तो अभी ये दिखाता हूँ और बाद में फिर ये जो मेरी बाइक शहज़ादी खड़ी हुई है, ये बाइक पे सफ़र करता हूँ। जिस चीज़ पे सफ़र करें उससे प्यार करना चाहिए क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा साथ देती है। तो ये जो बाइक है इसे मैं अभी लेके जाऊँगा सर्विस करवाने, इसकी यानी कि ट्यूनिंग होनी है इसकी, तो ट्यूनिंग करवाएंगे। ये थोड़ा विलेज एरिया है, यहाँ पर देसी तरीके से ट्यूनिंग करते हैं, VIP यानी कि होंडा वर्कशॉप वगैरह यहाँ पे नहीं है इतनी, एक है लेकिन काफ़ी दूर है, बहुत दूर जाना पड़े। इधर साथ ही एक छोटा सा विलेज है, वहाँ पे चलेंगे, वहाँ पे जाके इसकी सर्विस करवाएंगे, ट्यूनिंग करवाएंगे इसकी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो न्यू है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो भी हो वो आपको ईजिली मिल सके। तो चले बिना टाइम जाए कि आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है बाइक, इस पर अभी मैंने इसे वॉश करके, वॉश करने के बाद इस पर मारा है डीजल। डीजल से फ्रेंड्स ये होता है कि इसको जो जंगाल वगैरह जो भी जंग लगा होता है वो साफ़ हो जाता है बिल्कुल। तो ये देखें, ये इसके आगे वाला जो रिम है, ये जो है चक्का इसे कहते हैं आई थिंक, तो इस पर ही मैंने रिम है, अलॉय रिम जिसे कहते हैं, ये वो है, तो इस पर मैंने पेंट मारा है। इस पर भी ये देखें बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, अच्छा लग रहा है पेंट, इस पर ही मारा है। और साइकिल अभी दिखाता हूँ आपको, और ये जो बाइक है इसकी अभी करवाने जा रहा हूँ मैं ट्यूनिंग। सर्विस स्टेशन जाएंगे, यहाँ पे छोटा सा है, वहाँ पे जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा यानी कि ना आवाज़ आ रही थी बीच में से, क्योंकि इस पर हम सफ़र करते हैं तो इसकी भी मेंटेनेंस वगैरह हमें देखनी पड़ती है, तो लाजमी करवानी चाहिए ट्यूनिंग। और कल मैं इसके डलवा के आया था ब्रेक शू, ब्रेक शू बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। ये आप ख्याल रखा करें कि ब्रेक शू जो हैं आपके सही होने चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको धोखा दे सकते। ये देखें ये ब्रेक शू हैं, ये मैंने न्यू डलवाए हैं। ये जो है ये ब्रेक शू का पेच है, यानी कि ब्रेक अगर नई डलवाई हो तो फिर ये पेच पीछे होता है, अगर पुरानी होगी हो तो फिर ये पेच यहाँ पे आ जाता है, इस जगह पे आ जाता है। जब यानी कि ब्रेक शू ख़त्म हो जाते हैं, इस जगह पे आए तो ब्रेक लगती नहीं है, कम हो जाती लगनी। तो ये अभी इस पे डीजल मारा हुआ है क्योंकि इस पे जो जंगाल वगैरह लगा होगा जंग वो ईज़िली ख़त्म हो जाएगा। शहज़ेब ये क्या कर रहे हो, चला रहे हो, शौक है तो इसे फ्रेंड्स, शौक है तो इसे बाइक, ये साइकिल चलाना मैंने सिखाई है, तो अब सही सीख गई हो ना। हाँ जी, इसे साइकिल चलाना मैंने सिखाई है, और पहले छोटी चलाता था, कौन सी वाली वो दिखा, पहले फ्रेंड्स ये वाली साइकिल चलाता था छोटी वाली, और अब ये वाली चला रहा है, हीरो लग रहा है, हीरो लग रहे हो आज तो सही चला लेते हो ना। अब फ्रेंड्स ये देखिए बड़ी वाली चलाता है तो सही चला रहा है, चला के दिखाओ। ये बच्चे को मैंने ट्रेन कर दिया अच्छे तरीके से, ये मैंने अपने साथ रखा हुआ है। चलो जी सही है, खुश हो ना अब। अब आपको किस दिन मैंने देनी है, आप ये घर ले जाना ठीक है, इसको मैंने ये साइकिल दे देनी है घर जाने के लिए, तो मेरे साथ ही होता है, तो आज इसे चोट लगी थी पाँव पे, तो आज इसे छुट्टी दे देंगे, घर जाएगा इंजॉय करेगा ठीक है।
फ्रेंड्स, ये जो साइकिल है इसके यहाँ पे रेड की है, सिल्वर की है, और ये वाली साइकिल के भी ये सिल्वर रेड की है, सिल्वर की है, ब्लैक की है, इसके भी यहाँ पे ब्लैक की है, और इसके रिम्स पे भी ये सारा ब्लैक किया हुआ है, और ये अग्रारी है, चेन ग्रारी इस पे भी, और ये पीछे वाली जो वायर्स लगी हुई हैं तारें इन पे भी, आगे वाली तारों पे भी, उसकी भी तारों पे, और एक और साइकिल थी वो बिटक्शो पे मैंने भेज दी है। बहुत ही मेहनत होती है इस पे। ये देखें, ये मैंने टेप लगाई थी, यानी कि इसका एक डिज़ाइन बनाया था मैंने, ये टेप लगाई हुई है, यानी कि ये ऐसे बन जाएगा, यानी कि एक तीर टाइप बना हुआ है, तो बहुत ही प्यारा हुआ है पेंट, माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, अभी ये टेप उतारूँगा। ये देखिए, जैसे जैसे उतारूँ वैसे वैसे पेंट पीछे को है, यानी कि उसी लाइन में हुआ है जैसे जैसे मैंने किया था वैसे वैसे ही हुआ है। ये टेप लगाने का ये फ़ायदा हुआ है कि इसका एक डिज़ाइन टाइप बन गया है। ये देखिए, ये भी टेप उतार दिए, कितना प्यारा निकला है नीचे से, ये भी उतारेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी कितना प्यारा हो गया है। ये देखिए, ये एक ती टाइप बन गया है, तो ये ऊपर भी ऐसे किया था मैंने, दूसरी साइड पे भी राउंड राउंड से सारी टेपें उतारेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी निकलते हैं ट्यूनिंग करवाने के लिए। मैं अकेले जाऊंगा इसे, मैं बच्चे को छोड़ूंगा यहाँ पे, पीछे मुर्गियाँ वगैरह खुली हुई हैं, तो ये मुर्गियों के पास रहेगा। ठीक है श्वेब? ठीक है। मुर्गियों के पास रहोगे? ठीक है। हाँ, तो अभी चलते हैं बाहर जाके, विलेज एरिया जो है वहाँ पे सर्विस सेंटर, वहाँ पे जाके इसकी ट्यूनिंग करवाते हैं बाइक की, और इसे मैंने नहला तो लिया अच्छी तरीके से, तो चलें अभी चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आ गए हूँ, ये है सर्विस स्टेशन। ये देखें, विलेज एरिया में ऐसे ही होता है, तो ये भाई इसमें ट्यूनिंग करवाता हूँ, तो अभी शुरू होने लगी है ट्यूनिंग, सर्विस करेंगे फिर आपको दिखा। तो ये आसिफ भाई, आसिफ भाई क्या हाल है? ठीक है, आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस आपकी वीडियो नेट पर डालने लगा हूँ, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ ना उस पर। तो ये अभी आसिफ भाई बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग करते हैं, सर्विस इसकी करते हैं, अभी शुरू करने लगे हैं। ये इंजन का दिखाएँ कैसा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इंजन ऑयल इसके अंदर होता है, तो ये ब्लैक हुआ है, ये भी इन्होंने साफ़ कर दिया, ये बिल्कुल ब्लैक हुआ था। ये देखिए, ये नीचे गिरा है, ये सारा इधर मोबलेल जो है इसके अंदर होता है, ये इंजन है, तो इसके अंदर मोबलेल होता है, ये सारा ब्लैक हो गया, ये निकाला है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।